हेलो एवरीवन, मैं भानु कुमार। वेलकम बैक टू माय कलरफुल लाइफ चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पिछले कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो पहाड़ों में सिर्फ ठंडी नहीं, गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो गाइस, मेरी कार्डिगन जो है वो बन के तैयार हो गई है, सिर्फ मुझे सिलना बाकी रह गया उसको। तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं उसे। और अभी जो है गाइस, मैं यहाँ खाना बना रही थी, दिन का खाना। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बाकी सब कुछ तो हो चुका है, सिर्फ मुझे नहाने को रह गया और दिन का खाना बनाने को रह गया। तो एक साइड मैंने डुगू की खिचड़ी चढ़ाई हुई है और एक साइड जो है मैं दाल बना रही थी अपने लिए दिन के लिए। तो तड़का मैंने चढ़ाया हुआ है। तो पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, फिर हम बैठ के कार्डिगन सी लेंगे। तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो गाइस, ये मैंने बाजू इसकी सिल ली थी ऑलरेडी पिछले कल, और मेरे को सिर्फ पल्ले और पॉकेट सिलने को रह गए थे। तो गाइस, बहुत टाइम लगता है इस तरह से सिलने में। कम से कम मुझे इसको सिलते सिलते आप समझ सकते हो कि 1 घंटा तो पूरा लगा ही होगा, और बहुत ध्यान से सिलना पड़ता है। तो बस एक टक नज़र लगा के रखनी पड़ती है, तो वही मैं सिल रही थी। तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है मैंने, यहाँ पे क्लिप ऐड किया है और ये मैं आपको पहन के दिखा रही थी गाइस। तो थोड़ी सी मुझे ये टाइट थी बाजुओं से, क्योंकि जिनके लिए ये बनाई है वो मुझसे ज़्यादा पतले हैं, और अभी इसमें बटन्स नहीं लगे थे। तो बटन्स लग जाएंगे तो इसकी जो गले की फिटिंग है, और जो मतलब देखने में ये इसकी बुनती खुलती है, और खुलने के बाद ये बहुत जिगजैग जैसा डिज़ाइन लगता है, बहुत सुंदर सा लगता है। और ये मैं आपको पॉकेट शो कर रही थी इसके, तो बहुत अच्छी लंबी खुली डुली कार्डिगन बनी थी, अच्छी फिटिंग वाली, तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो गाइस, वो कार्डिगन तो मेरी बन के तैयार हो गई है। अब जो है मेरा हाफ स्वेटर मैंने लगाया हुआ था उस कार्डिगन से पहले, तो जिनकी वो कार्डिगन थी तो उनको वो कार्डिगन जल्दी चाहिए थी, तो उस वजह से जो है मेरा वो स्वेटर आधे में ही छूट गया था। तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, पहले वो फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है कुछ और न्यू स्टार्ट करूँगी। तो अभी जो है डुगू सोई हुई है, तो डुगू को मैंने सुला दिया है। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो हाफ स्वेटर जो मैं बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर स्वेटर है। तो पिछला पल्ला मैंने उसका बना लिया है, सिर्फ आगे का पल्ला है वो थोड़ा सा बनाया है, और बाकी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, ये क्रीम कलर का जॉइंट स्वेटर है, ये इसका पिछला पल्ला है जो ऑलरेडी बन के तैयार हो गया है, और ये मेरा अगला पल्ला है गाइस। तो गाइस, ये इसका पिछला पल्ला, तो इस तरह की ये जो बुनती है वो डाली है मैंने पिछले पल्ले में। तो ये जो बुनती है स्ट्रेचेबल होती है और बहुत अच्छी लगती है बुन के। और ये है इसका अगला पल्ला। तो गाइस, इसमें जो है मैंने ये वाली बुनती डाली है। तो गाइस, ये जो है मैंने हाफ स्वेटर लगाया हुआ था, और ये मैंने अपनी शॉप के लिए ही बुन रही हूँ, क्योंकि विंटर्स में हाफ स्वेटर्स का भी बहुत डिमांड आता है, तो मैंने सोचा अभी से बना के रख लेती हूँ। तो ये मैंने लगाया ही था, और उतनी देर में मुझे जो है ग्रे जो कार्डिगन मैं आपके साथ पहले शेयर करी उसका ऑर्डर मुझे आ गया था, तो उनको वो जल्दी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने उसे पहले लगा लिया था और इसे छोड़ दिया था। मैंने सोचा ये तो शॉप के लिए ही है, तो इसीलिए अब इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, मैं पिछले कमरे में आ गई हूँ। एक्चुअली आगे डुगू सोई हुई है, तो वो मेरी आवाज़ सुन के जो है हिल रही थी, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो वो उठ जाए, उसकी नींद ख़राब हो जाए। तो आज के ब्लॉग में गाइस, मैंने आपके साथ अपना बुनाई का ही जो है शेयर किया है। तो जो मेरे पास खाली टाइम बचता है उसमें मैं जो है बुनाई करती हूँ ज़्यादातर, और ऑर्डर्स पे भी लेती हूँ, और साथ ही साथ जो है दुकान अपनी शॉप के लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ विंटर्स का कोई पता नहीं होता है, जैसी बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है तो एकदम जो है ऊन के कपड़े निकालने पड़ते हैं। आपको पता है कि पहाड़ों में कितनी ठंड होती है, तो हमने जो है शॉप में ऊन भी रखी हुई है, और साथ में जो है मैं हाथ से चीज़ें बना बना के देती रहती हूँ, तो हम वहाँ पर सेल कर देते हैं। तो बस यही है मेरा डेली रूटीन जो हाउसवाइफ का काम होता है, तो यही करती हूँ मैं अपने खाली टाइम में। और गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप सीखना चाहते हो कुछ पैटर्न्स डिज़ाइंस,
तो जो इजी है और जो जल्दी बनते हैं, मैं ऐसी ही चीज़ें डालती हूँ, ऐसे ही डिज़ाइंस अपने कार्डिगन, स्वेटर्स, बेबी जो भी बनाती हूँ उनमें डालती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा होता है मेरे पास टाइम लिमिटेशंस होती है हर चीज़ की, कि कोई कार्डिगन है वो इतने टाइम में किसी को देनी है, कोई जेंट स्वेटर वो इतने टाइम में देनी है, वो सुंदर भी लगे और उसमें अच्छा डिज़ाइन भी पड़े, तो इसीलिए मैं ऐसे ही डिज़ाइन डालती हूँ जो जल्दी बने और बनाने में भी ईजी हो, ज़्यादा ताम झाम ना हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप ऐसे डिज़ाइंस मुझसे सीखना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, ज़रूर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं अपने डिज़ाइंस के ऊपर। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हो, और किस तरह से अपना खाली टाइम जो है थोड़ा बहुत भी जो मिलता है उसे किस तरह से मैनेज करते हो, तो मुझे बताना। और गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी गाइज आप सबके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।